नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। आइए रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। एनकाउंटर में मारे गए टीवी एक्ट्रेस अमरीन की हत्या करने वाले दोनों आतंकी अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने की कार्रवाई। पाकिस्तान में आज 30 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, इमरान ने शहबाज सरकार पर हल्ला बोला, भारत के कदमों को सराहा। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। वैश्यवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वैध पेशा मानते हुए पुलिस के दखल पर रोक। कार्ति चिदम्बरम का लोकसभा स्पीकर को पत्र, सीबीआई जांच के खिलाफ उठाई आवाज। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय के खिलाफ एफआईआर की मांग, हेट स्पीच देने का आरोप। 29 मई को यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक, सीएम योगी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का 31 मई को शिमला में होगा मेगा रोड शो, 50,000 लोगों को करेंगे संबोधित। अब अजमेर की दरगाह के नीचे शिवलिंग होने का दावा, ज्ञान व्यापी की तरह सर्वे कराने की मांग। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में लगी भीषण आग, मरीजों और तीमारदारों में मची अफरा तफरी। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इनसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।